मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? कैसे गुड मॉर्निंग सर। गुड हो? गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? कैसी पढ़ाई है? अच्छा, अच्छी चल रही है सर। कोई कोई दिक्कत? नो क्या सर। होगा यार, ये सब सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा कि ऐसे ही चलेगा? सर 30 तारीख के बाद भी वो लॉकडाउन ही होने वाला है, कौन मतलब बोला? कर्फ्यू। फिर तो हम लोग क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अच्छा, पिंडी का पेपर देखा तू लोग? नहीं सर। देख लेना चाहिए था, देख लो अब लोग नेट से। वैसे आया नहीं, नेट पे नहीं दिया है, अभी तक नहीं आया है। लेकिन एनालिसिस मैंने भेजा है, तो मैं बना के भेजता हूँ आज। सब पेपर भी आ गया। पेपर आ गया? हाँ सर। यस सर। कहाँ पे देखे आप? सर मैं सर लिंक सेंड। वेबसाइट से बहुत सारे। हाँ तो आप भेजो ना मेरे को, मैं ढूंढा। आज आया कि कल आया? सर कल आया कल ही था। आ गया था। कल मैं ढूंढ रहा था यार, पेपर नहीं मिला मेरे को। हाँ मैं भेजता हूँ सर लिंक आपको। भेजना। और कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की? अच्छी चाल रही सर। हाँ कैप्टन बेटा, आप बोल रहे थे कि पांडे सर कैलकुलस से क्वेश्चन ही नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सर वहां पे एक बच्चे ने कमेंट किया था ऐसा, अरे बच्चों का मत तू लिया करो। 15 क्वेश्चन थे सर कुछ। हाँ हाँ बाद में देखा सर मैंने, 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा थे, 21 समथिंग थे। ट्रिगो से रहते ही है ज्यादा, ट्रिगो इस कैलकुलस बार से ज्यादा रहते हैं। प्रोबेबिलिटी के थोड़े कम थे, 5 थे सिर्फ शायद। तो जितना ज्यादा, जितना मैक्सिमम वक्त अगर हम लोग दे सकें मैथ पे। देखो 2-3 दिन से सर बोले मेरे को डीपीपी डालना है, मैं भूल जा रहा हूँ, आज मैं डाल दूंगा, मेरे को याद है। गुड मॉर्निंग बेटा। सर ज्योग्राफी के भी 12 क्वेश्चन ज्यादा हो गए, 12 समथिंग। ज्योग्राफी के भी 12 क्वेश्चन हैं। मतलब देखो सिंपल वे में इतना जान जाओ कि अपना एग्जाम बहुत टफ नहीं है, बस जरूरत है तो थोड़ा सा सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करने का। और जो हम अभी आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, अगर आप अच्छे कर रहे हो और सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो इससे बेटर और कोई। एक बात और बता दूं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला है, जैसे जयेश को मिला था, याद होगा जयेश क्या काम किया था कि लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन का वो भरपूर फायदा उठाया। बात समझ में आई आप लोग को? यस सर। हाँ, तो इस लॉकडाउन का आप दो तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो टाइम पास करके बहाना बना के, सभी जानते हैं, गार्जियन भी जानते हैं, सभी जानते हैं, पांडे सर सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन है, टीचर्स से मुलाकात नहीं हो पाएगी, मतलब व्हाट एवर, बहुत सारे बहाने हैं, नहीं करने के 100 बहाने हैं और करने के लिए सिर्फ एक बहाना। बात समझ में आया क्या? सर। नहीं करने के यस सर। 100 बहाने और करने के सिर्फ एक बहाने। तो अगर जिद पे लग जाओ, कुछ करके दिखाओ, तो एक अलग जज्बा होता है आपके अंदर, वो चीज है, ऐसा नहीं कि नहीं है, नहीं रहता ना बेटा, आपको मना कर देता, बेटा मत कर। ऑल ऑफ यू आर एबल टू डू दिस। और मैक्सिमम आप वहां तक पहुंच रहे हो, बस नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, फॉर्मूलेज ध्यान देना बेटा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप सभी लोग से बोलो, कहाँ गया रे और सब, कहाँ गया यार ये डेली का डेली क्या मतलब बनता है यार? क्या बता रहा था? फॉर्मूले, फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी चीजें छोड़ के पर डे मैथ की ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, इस सब के फॉर्मूले लर्न करना शुरू कीजिए। फॉर्मूला अगर आपके पास है तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे, इतना मुझे पता है, लेकिन आपको फॉर्मूला लर्न होने ही चाहिए। मोहित कहाँ गया रे वो? सौरभ
हाँ सर कॉल लगा रहा हूँ उसकी। चलिए हम आगे बढ़ते हुए लास्ट क्लास का थोड़ा सा डिस्कशन देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पोटेंशियल स्प्रिंग ब्लॉक्स एनर्जी याद है? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी कुछ याद है? अरे बोलो ना हाँ या ना, पूछने पे एकदम साफ गायब हो जाता है तू लोग। नहीं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ाए थे लास्ट क्लास में? यस 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 सर। बेटा रे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? किसका सर? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? इमुलर फ्रिक्वेंसी हाँ ओमेगा। खुद से कुछ सर। पढ़ना ही नहीं, क्या आदमी बोलेगा? अनाम अनाम, आवाज जा रही है अनाम। सर ओमेगा नॉट है ना? ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होगा? हाँ सर 2 मिनट। सर इन रूट के अपॉन एम अंडर रूट के अपॉन एम। के अपॉन एम। ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को याद था और कितने बच्चे देख के बताए हैं? ईमानदारी सर मुझे ओमेगा नॉट से। तक याद था, उसके आगे नहीं तो ये गलत बात था ना बेटा। आपको कम से कम 2 दिन का वक्त मिला बेटा, आप रिवीजन नहीं कर सकते तो क्या मतलब बनता है? सॉरी। सर टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, बेटर है कि टाइम भी पास हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, आप लोग का भी टाइम पास, मेरा भी टाइम पास, कोई मतलब नहीं है बेटा। प्लीज नेक्स्ट है। हेलो हाँ कहाँ आप रहते हैं? इधर ही कहाँ हूँ मैं, कितना बार मैंने बुला बुलाया? समझ में आया? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी फिर क्वेश्चन होगा आज। देखिए आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? यस सर यस सर सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक। ठीक है काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है बोलिए? काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है? वी क्या है? वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी बेटा? किसका वेलोसिटी? किसका वेलोसिटी?
मानसी किसका वेलोसिटी? पार्टिकल का सर। इस सचिन परफॉर्मिंग पार्टिकल। राम, राम गवाने। यस सर। राम गवाने। यस सर। बेटा भी क्या होगा? एसएचएम परफॉर्मिंग पार्टिकल और वेलोसिटी क्या होगा? एसएचएम परफॉर्मिंग पार्टिकल का वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस माइनस ओमेगा नॉट अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह किसके फंक्शन में है? यह वेलोसिटी किसके फंक्शन में है? पोजीशन। पोजीशन। पोजीशन के इसमें का। पोजीशन है। एक्स से इसलिए। टाइम के फंक्शन में पूछा जाए तो क्या होगा? टाइम के फंक्शन में पूछा जाए तो क्या होगा? श्रीराम बागुल, श्रीराम बागुल, बोलो। ए ओमेगा नॉट कॉस, याद है? याद है, बताया गया है? यस सर। यस। हाँ या ना? यस। लिखे तो यहां तक पहले। मोहित या सौरभ कहाँ आए भाई? अरे उसका फोन नहीं लग रहा है, मैंने किया था कॉल। क्या चल रहा है तुम लोग का यार? तुम रख करो। यस सर। चलिए काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन पहले निकालते हैं। क्या होगा, क्या होगा? बोलिए भी के जवाब क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या ऐसा? लिखेंगे क्या? यस। हाँ। कितना जाएगा? इसका स्क्वायर कितना आएगा? क्लियर हो आप? हाँ सर। क्लियर हो आप? यस सर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम परफॉर्मिंग पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पोजीशन, एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। नाउ सी, नाउ सी द ग्राफ। क्या मैं रख करूं? यस सर। यस सर। नाउ सी द ग्राफ। देखिए क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही आया था? यस सर। अगर इसको हम लिखे तो क्या लिखेंगे? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर। यस सर। तो देखिए तो यह टोटल टर्म क्या है? कांस्टेंट है? यस। अरे 1/2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है या नहीं है? हाँ सर।
यस सर। रह के बाद इसकी या टोटल टर्म का कांस्टेंट है, तो एक सपोज करें इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा? -6 -1 क्या ग्राफ आएगा? अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब इतना कॉन्स्टेंट है, जितना कॉन्स्टेंट उतना शिफ्ट कर जाएगा। कितना कॉन्स्टेंट है? 1/2 या कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर, यह कांस्टेंट टर्म आ गया। ग्राफ यहां से शिफ्ट कर जाएगा यहां पे, कब? यह कांस्टेंट है, याद रुको। जैसे y इक्वल टू x माइनस 2, ग्राफ किधर हो जाता है पता है? इसका ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करने आता है। y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होगा? y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी सर। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसा होगा, हाँ या ना? y equal to x minus 1 का ग्राफ क्या होगा? शिफ्ट कर जाएगा, वह यहां से जाएगा, माइनस 2 का, माइनस 3 का, और यही प्लस 1 हो गया तो इधर शिफ्ट कर जाएगा। बात समझे क्या? x में शिफ्ट करेगा, अरे y में शिफ्ट करेगा। समझ में आया? तो यहां पे देखो क्या है, दिस कांस्टेंट माइनस दिस, तो यह ग्राफ जो है शिफ्ट कर गया ऊपर, तो कहां कितना आ जाएगा? इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा। इसका ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसके पहले इतना कॉन्स्टेंट क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। इसका एग्जैक्ट ग्राफ क्या बनेगा? देखो यार, ग्राफ तो आपको आना चाहिए यार, बहुत अच्छी ग्राफ आना चाहिए। यह क्या होगा? माइनस थ्री। यह क्या होगा? और यह पॉइंट क्या, कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर कॉमा 0। यह किसका ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x, क्या मैं रफ करूं? यस सर। यस। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लिख इट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM एज ए फंक्शन ऑफ, बोलो, we know that, क्या जानते हैं? velocity क्या जानते हैं? क्या बताया गया है सभी चीजें? yes sir। तो क्या हो जाएगा kinetic energy? V का वैल्यू क्या होगा? होगा क्या? ऐसा होगा क्या? यस सर। यस सर। कितना आएगा बेटा?
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टाइम बढ़े आगे इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे कोई बच्चा बता सकता है इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे कोई बच्चा बता सकता है क्या मैं रफ करूं रफ करूं एक बात बताइए अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बोला आपने वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बोला बोलिए यही बोले यही बोले आइए वेलोसिटी का ग्राफ खींचते हैं ड्रॉ करते हैं एक बात बताइए वेलोसिटी का नेचर क्या है कॉस कॉस कहां से स्टार्ट होता है मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम से क्या यह बात समझ में आया यह किसका ग्राफ है यह किसका ग्राफ है वेलोसिटी का वेलोसिटी का बट हमें किसका खींचना है बट हमें किसका खींचना है काइनेटिक एनर्जी अच्छा एक बात पूछूं बेटा रे ये बेटा यस सर मैं ऐसा लाइन अक्सर ग्राफ खींचता हूं साइन का या किसी का तो ऐसा क्यों खींचता हूं आप जानते हो इसका रीजन या नहीं सच्चाई के साथ या लाइन क्यों खींचा हूं बता सकते हैं आप कोई बच्चा पहली बात बताइए कि इसका ग्राफ क्या होगा नीचे होगा ऊपर होगा या ऐसा होगा नीचे होगा नीचे तो हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता ये देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर है क्या है स्क्वायर स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या नहीं और स्क्वायर स्क्वायर किसी चीज का नेगेटिव होता है क्या नो सर नहीं मतलब यह सेम ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर जाएगा नहीं समझे नेगेटिव है ना भाई यह सेम ग्राफ कहाँ शिफ्ट कर जाएगा ऊपर 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 क्या होगा ग्राफ
बात समझ में आया क्या? बात आप लोग को समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो मैं कुछ गलत बनाया हूं क्या? एक मिनट, मैं कुछ गलत बनाया हूं क्या या सही है? अब सही है क्या? अब सही है। बताऊंगा कि क्यों ऐसा मैंने गलत बोला और क्यों क्या सही है। यहां तक ये सही है। समझ में आया? अब मैं समझा रहा हूं क्यों ऐसा लाइन खींच रहा हूं और क्यों मैंने गलत और सही वर्ड बोला। लिख लिए, एक इसका ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी, एक इसका ग्राफ है वेलोसिटी का। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कितना होगा? 1/2 जी स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट एक बात और ध्यान दो बेटा, रे बना लिए आप लोग? हाँ सर। यस सर। क्या मैं रफ करूं? हाँ सर। एक बात, ये सब पॉइंट ध्यान में रखना, मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, वैसे बताया हूं बट फिर भी मैं इसको सिर्फ किनारे का रफ कर रहा हूं ताकि मैं एक चीज लिखूंगा और फिर आपको एक चीज बताऊ। याद करो स्टार्टिंग से, x इक्वल टू a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, यही बताए थे, याद है? रिप्लाई करो यार। यस सर। वेलोसिटी इक्वल टू दिस और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, यही बताए थे बेटा? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो क्या आया था? क्या आया था बेटा? अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का तो क्या आया था बेटा? क्या और कुछ बचा है क्या या इतना ही था? एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और कुछ बचा है कि इतना ही था? इतना ही है सर। अच्छा, एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि आप लोग को जानना जरूरी है, जो कि पहले से बताते आ रहा हूं। एक बात बताइए, अनाम अनाम अनाम। यस सर। हाँ, अभी टाइट आवाज आएगा क्योंकि कॉल चला गया था, दोबारा कॉल पापा के यहाँ जाता। खैर,
यहाँ पे पोजीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ध्यान देना, पोजीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना है, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नाम सर एक मिनट, क्या एक मिनट क्या कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिग्विजय? यस सर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टू पाई, मारे तुरंत दो थप्पड़ यार, समझाते समझाते एकदम, मयूर मयूर यस सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, टू पाई बाय टी, अरे भैया ओमेगा नॉट, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वर्ड नहीं सुन रहा है तू लोग, ओमेगा सर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यार, ये पढ़ाते हैं यार, शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ यही बात, ओमेगा सर, ओमेगा नॉट, तो पोजीशन वेक्टर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट टी छोड़ दो, वेलोसिटी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर, कहाँ स्क्वायर लिखा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर, कहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर लिखा है, ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी यहाँ होता है या यहाँ होता है, सॉरी सर सॉरी सर, ये तो एम्पलीट्यूड होता है, यस सर, पोटेंशियल एनर्जी में फिर ओमेगा नॉट टी, कहाँ फिर ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट टी या ओमेगा नॉट, मतलब सभी सभी इक्वेशन में ओमेगा नॉट टी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दूसरी केस में ओमेगा नॉट, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, एवरी केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, क्या फॉर्मूला, ओमेगा नॉट इक्वल टू टू पाई बाई टी या टू पाई न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, याद है ना, यस सर, इसका मतलब समझ में आया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एवरी प्रॉपर्टी का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, पोजीशन का फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन का फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी प्रॉपर्टी ऑफ SHM हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड एंड सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, समझ में आया क्या, यस सर, तो नो ये लिख लो, यहाँ तक लिख लो, यस सर, ये बात पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया अभी तक लेकिन ये पूछा जा सकता है, लिखे लिख लिए, यस सर, इसीलिए हम एस सेम रखे थे, वेलोसिटी था ना, यस, और एक क्या काइनेटिक एनर्जी, तो देखो जहां पे यह डाउन हुआ है वहीं पे इसको डाउन किया हुआ, किया होगा नहीं किया हो, यस सर, पहले हमें यहाँ पे लिख दिया था, मैंने बोला था क्या गलत है गलत है गलत है, बोला था कि नहीं बोला था, यस सर, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, सेम है, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या है, सेम है, सेम है, तो लिखो
SHM परफॉर्मिंग पार्टिकल, नोट में लिखना और उसको स्टार दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SHM परफॉर्मिंग पार्टिकल, SHM परफॉर्मिंग पार्टिकल, SHM परफॉर्मिंग पार्टिकल हैविंग 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 सेम फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी प्रॉपर्टी ऑफ SHM, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी फ्रेम सेम फ्रीक्वेंसी कॉमा टाइम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी कॉमा टाइम पीरियड ऑफ एवरी काइनेमेटिकल प्रॉपर्टी, ऑफ एवरी काइनेमेटिकल प्रॉपर्टी, ऑफ एवरी काइनेमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ SHM, of SHM हो गया? Yes sir। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं समझ में जरूर से जरूर आया होगा। एक लास्ट टॉपिक है, लिखे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जल्दी लिखे, टोटल एनर्जी। बेटा रे पोटेंशियल एनर्जी क्या है बोलो? हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही था पाला एक्स के फंक्शन में। यस सर। काइनेटिक एनर्जी क्या था? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, ऐड कीजिए देखिए क्या आएगा। यही आएगा क्या? कैलकुलेट करिए तो देखिए तो क्या आएगा। क्या बच गया? बचा क्या? ओमेगा नॉट क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू, पुट करो वैल्यू कितना आ जाएगा? हो जाएगा टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप, अगेन रिज्वाइन हो जाना, अगेन रिज्वाइन हो जाना। लिख सकता हूं क्या आएगा? देखो तो इतना आएगा, देखो तो इतना आएगा,